श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन मिलता है जो उन्होंने अर्जुन को महाभारत युद्ध के दौरान दिए थे। गीता सबसे प्रभावशाली ग्रंथ है और भगवद गीता को भगवान की गीत भी कहा जाता है। गीता में लिखे अनमोल वचन मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता में संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला इंसान जीवन में कभी निराश नहीं होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के बर्बाद होने के 5 कारण बताए हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नींद, थकान, डर, क्रोध और काम टालने की आदत इंसान को बर्बादी की राह पर ले जाते हैं। बहुत खुशी और दुख में लिया गया फैसला इंसान को बर्बादी की राह पर ले जाता है, क्योंकि ये दोनों ही परिस्थितियाँ व्यक्ति को सही फैसला नहीं लेने देती है। विपरीत परिस्थिति में हौसला हार जाने वाले भी कभी सफल नहीं होते। मुश्किल समय में सकारात्मक सोचने से अच्छे दिन जरूर आते हैं। खुद को बदलने की बजाय भाग्य और ईश्वर को कोसने वाले लोग भी सफल नहीं होते हैं। ऐसे लोग हमेशा असंतुष्ट ही रहते हैं। पैसा आने के बाद अहंकार लोगों को बर्बाद कर देता है। गीता के अनुसार अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार व्यक्ति को अमीर बनाता है, न कि पैसा। अगर आपके अंदर भी ये आदतें हैं तो तुरंत इसे छोड़ दें, इससे आप बर्बादी से बच सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। पसंद आ रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। बोलो जय श्री कृष्णा।